वेलकम। आज हम बात करेंगे कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनाना चाहिए। नॉर्मली जो स्टूडेंट हैं वो अपना आधार कार्ड और एक फोटो देखकर अपना कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई करते हैं, बट मैरिड फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो उसका ससुराल के एड्रेस से नहीं बल्कि मायके के एड्रेस से बनाना पड़ता है। ऐसे में प्रूफ भी मायके का होना चाहिए। इसके लिए आप कैंडिडेट का माता पिता या उनके भाई का आधार लेना है और कैंडिडेट के आधार के साथ उसका पेरेंट्स का या फिर उसका ब्रदर का आधार कार्ड को एक पेज में या एक पीडीएफ में बना लेना है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, आपको इसी टाइप से एक पेज बना लेना है और एक फोटो भी ले लेना है जिसको जेपीजी में सेव कर लेना है। अब चलते हैं अप्लाई पे। तो इसके लिए गूगल पे आप serviceonline.bihar.gov.in पे जाना है आपको, जहाँ आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ अब आपको सामान्य प्रशासनिक विभाग पर जाना है, आपको जाति प्रमाण पत्र पे जाना है और अंचल स्तर पर। तो यहाँ आप देख रहे हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा अप्लाई करने के लिए। तो आप फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ टिक कर देंगे और यहाँ पे आप अपना नाम डालेंगे, नीचे फादर्स नेम, जस्ट उसके नीचे मदर्स नेम का ऑप्शन है, मदर्स नेम डाल देंगे, उसके नीचे हस्बैंड नेम डाल देंगे, फिर उसके नीचे मोबाइल नंबर दिया हुआ है, मोबाइल नंबर आपको डालना है। यहाँ मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको ईमेल आईडी भी डाल देना है, ताकि आपका रिसीविंग भी मेल पे चले जाएगा और सर्टिफिकेट बनेगा तो वो भी मेल पे आ जाएगा। तो नीचे आपको एड्रेस फिल करना है, एड्रेस में आप स्टेट डाल देना है और आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वो डिस्ट्रिक्ट डालना है। उसके बाद अनुमंडल है, अनुमंडल भी आपको फिल करना है, अनुमंडल के बाद ब्लॉक दिया हुआ है। फिर आप जो ग्राम पंचायत में पढ़ते हैं कि ग्राम नगर निगम में पढ़ते हैं या नगर परिषद में, उसमें टिक करके आपको वार्ड नंबर डालना है। फिर पंचायत या आप जिस परिषद में पढ़ते हैं वो आप डाल देंगे। उसके बाद गांव का नाम जो है, जहां आप जिस मोहल्ला में रहते हैं उस मोहल्ला का नाम, फिर पोस्ट ऑफिस। इस तरह से आप अपना पूरा एड्रेस सही से फिल करके पिन कोड डालना है। यहां आप देखिए सेम एज अगर रखना चाहते हैं तो सेम एज रखना है, अगर चेंज करना चाहते हैं तो यहां पर आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन आपको सेम ही रखना है ताकि बनने में कोई परेशानी ना हो, डबल प्रूफ ना लगे। हाँ, आपको फोटो चूज करना है। फोटो चूज करने के बाद नीचे आप देख रहे हैं आप क्या चीज हैं, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट, किसान है तो किसान पे आपको टिक करना है। नीचे आपको किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो आपको कैटेगरी चूज करना है कास्ट का। नीचे आपको कास्ट चूज करना है, अगर आपके आपको उपजाति भी है आपका कोई तो आपको उपजाति सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे चलना है, नीचे आपको इस कैप्चा को डाल करके प्रोसेस पे क्लिक करना है। यहाँ अब आप ओके कर देंगे के बाद यहाँ पे आप अटैचमेंट का ऑप्शन देख रहे हैं, आपको अटैचमेंट पे जाना है। यहाँ पे आपको आधार सेलेक्ट करके चूज फाइल पे आधार को अपलोड कर देना है। यहाँ पे अब आपको सेव करके आगे बढ़ना है। तो ये आप इसके बाद व्यू देख लेंगे क्या गलत है क्या सही है। अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पे आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपको इस तरह का रिसिप्ट मिल जाएगा। इस रिसिप्ट को आप सेव करके रख लेंगे या एक कॉपी निकाल के इसका रख लेंगे। तो उसके बाद इसका पे जो डिलीवरी डेट दिया हुआ है उस डेट में आप इसको निकाल सकते हैं, उससे पहले भी बन जाता है। इसके लिए आप स्टेटस चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आके देख रहे हैं यहाँ पे राइट साइड में जो आवेदक का स्थिति देखे हैं और सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया हुआ है, कहीं भी जा करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके इस पर हम पहले वीडियो बना रखे हैं, तो आप देख सकते हैं कैसे आपको डाउनलोड करना है। लिंक आपको आई बटन पे या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में बस यहीं तक। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।